राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कुर्क कर लिया है। NIA ने कार्रवाई आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर की है, जिसके बाद श्रीनगर के राजबाग इलाके में मौजूद अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई। भारी सुरक्षा के बीच NIA की टीम हुर्रियत के दफ्तर पहुंची और जिस इमारत में ये दफ्तर मौजूद था उसकी बाहरी दीवार पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। हालांकि इससे पहले ही हुर्रियत के इस दफ्तर की देखभाल करने वाले शख्स को इसका पता लग चुका था और उसने सामान समेटने में ही अपनी भलाई समझी। तो क्या बोला इन्होंने? कुछ बोला? ना, कुछ नहीं बोला। उसने बोला कल ये आया आदमी, उसने बोला ये मकान का नंबर दे दो। हाँ। उसने कुछ नहीं बोला। ये ऑफिस किसका था? मीर वाइज का। फिर किसका है? ये बहुत टाइम है ना, यलिन साहब का है, वो बहुत आता है। नहीं, अब्बास साहब, वो अब्बास साहब, ये प्रोफेसर साहब, वो सब आता है जैसे सर। अच्छा, वो ये शेख साहब शहीद हो गया बेचारा। हुर्रियत का ऑफिस था? हाँ। तो क्या बोला कि ये खाली करना है, सील करना है? नहीं, मैंने नहीं, वो सुबह नहीं बोला। तो आपको बोला क्यों? बोले ना, मैं खुद निकल गया। अच्छा, मेरे को कल बहुत प्रेशर हो गया ज्यादा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आतंक और अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ ये NIA का बड़ा एक्शन है। UAPA मामले में NIA की तरफ से ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का समूह है जो 1993 में अस्तित्व में आया था। अलगाववादी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही के बाद अगस्त 2019 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का राजबाग स्थित ये दफ्तर बंद था।